कमाल यार, ऊपर से रोड पे है और रोड भी बहुत ही हाईवे टाइप किस्म का लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय मोहम्मद उमर एंड यू आर वाचिंग नोबी रिएक्शंस। तो उम्मीद है यार बांग्लादेश के तमाम सिंगल मिंगल लोग ठीक होंगे। तो कैसे हो यार तुम सब? आज हम एक जबरदस्त सी वीडियो देखने जा रहे हैं। आपको सीधा सीधा मैं टॉपिक बताता हूँ कि आज हमारा टॉपिक कौन सा है। बांग्लादेश में एक न्यू मॉस्क क्रिएट हुई है, कंस्ट्रक्ट हुई है और उसकी जो इमेजेस आ रही हैं, मैंने जो थंबनेल पे देखा है वो काफ़ी ना रिफ्लेक्ट कर रही है जो इंडिया में आगरा में ताजमहल है ना, उससे काफ़ी रिफ्लेक्ट कर रही है। तो मुझे काफ़ी देखने में मतलब तो जस्टिस हो रहा है और ख्वाहिश हो रही है कि कैसी मस्जिद है, कितनी खूबसूरत है। तो आज हम ये देखेंगे, उसकी खूबसूरती देखेंगे मस्जिद में। और वीडियो का टाइटल है मॉडल, काफ़ी बंगला लैंग्वेज लिखी हुई है, उसके बाद है मॉडल मॉस्क प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश सिटी ऑफ मॉस्क। आई डोंट नो ये कौन सी सिटी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ये किस सिटी की बात हो रही है और ये किस सिटी में कंस्ट्रक्ट हुई है। तो हम जबरदस्त सी वीडियो देखने जा रहे हैं, तो आपने ये सारा रिएक्शन देखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, मेक श्योर आप उनके चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन, 3, 2, 1 हियर वी गो। ओके, दिस इज द मॉस्क, काफी रिफ्लेक्ट कर रही है, सेम टू सेम लग रही है, लेकिन इसके जो मीनार हैं वो 2 हैं, ताजमहल के 4 हैं, आई थिंक सो 4 हैं, काफी सिमिलर है ऑलमोस्ट, हम 90% एक वो डिफरेंस है, बाकी तो सेम ही है। कमाल यार, ऊपर से रोड पे है और रोड भी बहुत ही हाईवे टाइप किस्म का लग रहा है। आई डोंट नो कि ये कौन सी सिटी है। रोड भी कमाल क्लीन, फुल 10/10 क्लीन। ओहो हो, सामने फुल वो विलेज टाइप वाला सीन आ रहा है। ओहो हो, कमाल यार, खूबसूरत मस्जिद है। आई होप कि मुझे अंदर से भी दिखा दें। ओए होए होए, कमाल की यार इमेज है, 90% ये ताजमहल से वो है, रिलेटेबल है, रिजेंबल है। ओके हाँ, 90% कह सकते हो कि आप रिजेंबल करती है। ओहो, वाइट थीम है इसका। तो यार वीडियो ख़त्म हो गई। अगर इसके रिव्यू के बारे में बात करें तो मास्क काफ़ी प्यारी है, बेशक अगर आप मास्क की एक ईंट भी लगाएंगे ना तो अल्लाह को वो भी अजीज़ है, वो भी उतनी खूबसूरत है जितनी दूसरी मास्क होती है, क्योंकि माल का दारोमदार नीतों पर है। तो जिसकी नीयत अच्छी होगी उसके इमाल भी अच्छे होंगे। तो मतलब यार इसे मास्क से ये डिपेंड नहीं करता कि कितनी खूबसूरत है, मतलब क्या सीन है क्या नहीं, लेकिन एज आर्किटेक्चर व्यू, अगर मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, तो मास्क काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। ये बहस बिल्कुल नहीं है कि वो खूबसूरत नहीं है, तो वहाँ अजय दोनों का सेम है, एक खूबसूरत एक क्रिएटिविटी उन्होंने दिखाई है मॉस्क में। तो अगर इसकी अपीयरेंस की बात करें तो ये काफ़ी रिजेंबल करती है ताजमहल, जो कि इंडिया में है, लेकिन वो एक वाइट मार्बल से बना हुआ है, लेकिन ये मेरे ख्याल से ब्रिक से कंस्ट्रक्ट किया गया, उसके ऊपर वाइट वॉश किया गया हुआ है, पेंट किया गया हुआ है वाइट कलर का, मुझे जो लगा है यहाँ टाइलिंग की गई हुई है, लेकिन ये मार्बल का नहीं लग रहा था। लेकिन इसकी जो अपीयरेंस है, आर्किटेक्चर व्यू है, वो सेम टू सेम है, एक्सेप्ट द कि वो उसके 4 वो पिलर्स हैं लेकिन इसके 2 हैं, तो ये एक डिफरेंस है, बाकी सेम टू सेम है। आपको 90% ताजमहल से रिलेटेबल एग्जांपल कर सकते हो। तो अपीयरेंस तो इसको अगर हम 10/10 नहीं देंगे, क्योंकि खूबसूरत मास्क है और इतनी बड़ी भी नहीं है, एक छोटी सी मास्क हो, और जो कि
विलेज साइड पे अगर आपने जा रहे होते कोई रोड पे, तो अगर किसी को नमाज पढ़नी आ जाए तो उनकी जो सहूलत के लिए बनाया, जो कि काफ़ी एक अच्छा इकदाम है। आई डोंट नो कि ये कौन सी सिटी में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ये सिटी ऑफ मॉस्क किसको बोला जाता है। तो आप मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना ये सिटी ऑफ मॉस्क किस सिटी को बोला जाता है। लेकिन जो भी है ना, ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप है कि आप जो ट्रैवल मुसाफिर होते हैं उनके लिए एक रोड पर मस्जिद बनाई हुई है, जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बेसिक फंक्शन यही होता है कि जो रोड पे बनाने का, कि वो जो साइड पे मुसाफिर वगैरह आ रहे होते हैं, अक्सर आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया में ये कल्चर देखने को मिलता है, रोड पे मास्क बनी होती है, तो वो सिर्फ मुसाफिरों के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जो मुसाफिर रास्ते में नमाज पढ़ता है तो उसका भी कुछ ज़्यादा सवाब होता है एज़ कम्पेयर टू मस्जिद वाला, तो बनाया ही बनाया है, लेकिन वो दूसरा भी सवाब आपको मिल जाता है। तो यार बड़ी ज़बरदस्त सी मॉस्क थी, आपको आई होप कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। अगर आपकी कोई और रिकमेंडेशन है तो यार इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपके कोई रिएक्शन होते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे उस वीडियो का लिंक सेंड कर दिया करो, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिंक सेंड कर दिया करो, साथ टाइटल सेंड कर दिया करो, तो मैं उस पर रिएक्शन दिया करूँगा। तो यार मतलब आपने सिटीज़ के बारे में बताओ कि क्या वहाँ चीज़ फेमस है, क्या सीन है, क्या नहीं। मुझे तो बांग्लादेश के इतना बारे में नहीं पता, लेकिन ये आप पर डिपेंड है, आप मुझे कैसे अपने सिटी के, अपने कंट्री के बारे में बताते हो कि आपके कंट्री को एक बंदे जो आउट ऑफ कंट्री है, जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल है, तो अपने सिटीज़ को प्रमोट, अपने कंट्री को प्रमोट करना सीखो। मुझे थोड़ा गाइड करो कि मुझे क्या देखना चाहिए जिससे मेरी मतलब कंट्री में, मतलब मेरे दिल में पैदा हो के यार ये देख यार क्या कंट्री है, क्या कमाल का कंट्री है, इधर ये फैसिलिटीज़ हैं। तो ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका राइट है कि आप किसी दूसरे बंदे को गाइड करें। तो आई होप कि आपको रिएक्शन पसंद आएगा, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा ने के बान आपका।